इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कट कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। यह बहुत ही सिंपल तरीका है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में इसका बहुत अधिक यूज होता है। अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कट करना चाहते हैं तो उस फाइल या फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक कर कट पे माउस रख कर लेफ्ट क्लिक करते हैं और अब इसे पेस्ट करने के लिए कहीं पर भी माउस रख कर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फाइल पेस्ट हो चुका है। कट करने से पहले की जगह पर सेव फाइल मूव होकर पेस्ट की जगह पर आ जाता है और अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो इस पर लेफ्ट क्लिक कर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद कॉपी पर माउस रख कर लेफ्ट क्लिक करते हैं। यह कॉपी हो चुका है, इसे पेस्ट करने के लिए कहीं पर भी माउस रख कर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद पेस्ट पर क्लिक करते हैं। कॉपी करने से एक ही फाइल का डुप्लीकेट बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह फाइल मौजूद है और यहाँ पर भी यह फाइल मौजूद है। इसका मतलब यह है कि कहीं पर से भी फाइल डिलीट नहीं हुआ है। इसे क्लोज करते हैं। किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है, कॉपी करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल सी है और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल वी है। हम फिर से कीबोर्ड का यूज कर कट कॉपी और पेस्ट के तरीके को सीखते हैं। इसे कट करने के लिए इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाते हैं और फिर यहाँ पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाते हैं। आप देख सकते हैं फाइल नाम का फोल्डर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसे कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाते हैं, उसके बाद इसे यहाँ पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल वी दबाते हैं। आप देख सकते हैं यह फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।